हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। बोकारो से लौटते वक्त आ गए थे काली मंदिर में। ये ओपन कास्ट कोल माइंस के अंदर ही है। ये माइंस जाने का रास्ता, ये मेन गेट। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, यही रास्ते से हम लोग आए थे। मंदिर के अंदर देखिए कितना अच्छा गार्डन है, देख के मन खुश हो जाता है। पहले बहुत बार आए हैं इसमें, अभी तो विंटर है, विंटर में बहुत फूल खिलता है। इधर बहुत बड़ा कैंपस है, मंदिर भी बहुत सुंदर, एकदम मन शांत हो जाता है इधर आके। घंटों बैठे रहे तो पता ही नहीं चलता टाइम का। देखिए कितना अच्छा गार्डन है। लेकिन हम लोग जब आए मंदिर ऑलरेडी बंद हो गया था, सोचे माँ का दर्शन तो हुआ नहीं, गार्डन ही घूम लेते हैं। इतना फूल खिला है देखिए। एक प्रतिष्ठित काली मंदिर है, माँ का मूर्ति पुष्टि पत्थर से बना। मंदिर से निकल के जस्ट साइड में ही है एक इको रेस्टोरेशन साइट, स्नेह स्मृति उपवन। ये एक ओबी डैम था, बहुत साल लग गया इसको ऐसे पार्क बनाने में। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए मेरे साथ। इसके अंदर भी बहुत फूल खिला है, सब सीजनल फ्लावर्स। ये जगह क्या था, एक पत्थर का बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का, इसको ओबी डैम्प बोलते हैं। उसको तोड़ के, उसको मिट्टी डाल के इतना साल लग गया ऐसे बनाने में। ये अभी भी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत मेहनत की है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इसमें। इन फ्यूचर इधर पिकनिक भी होगा, ऐसे अरेंजमेंट भी हो रहा है। देखिए सब सीजनल फ्लावर्स। सिर्फ फूल नहीं, इसमें सब्जी का भी चाश होता है। ये नींबू का पेड़, इधर कुछ साग लगा हुआ है। बैंगन, गोभी, साग, मटर, ये सब इधर लगाया गया है। देखिए गोभी दिख रहा है, इधर गोभी थोड़ा कैसे हो गया, उस साइड अच्छा गोभी खिला है। पॉल्यूशन फ्री एरिया एकदम। कॉलोनी में भी कोई पोल्यूशन नहीं। हम लोग अभी ऐसे जगह पे हैं ना, रिटायरमेंट के बाद पता नहीं कैसे स्थिति में जाके रहेंगे। अभी से चिंता होता है कैसे रहेंगे इतना शोर शराबा में। इधर पीकॉक भी है सुने हैं, लेकिन कभी देखे नहीं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं पीकॉक है, पता नहीं, हमको तो कभी दर्शन नहीं हुआ। देखिए कितना फूल खिला, कितना अच्छा लग रहा है। सब अपने अपने काम में बिजी, कितना मेहनत करते हैं ये लोग। देखिए ये एक ओबी डैम है,
ये जगह इससे भी बड़ा था, ऐसे ही था, पत्थर से भरा। उसको उस ओबीडाम को हटा के ऐसे बना गया है। हम अभी मटर तोड़ रहे हैं। ऐसे तो कभी पेड़ से तोड़ के खाए नहीं है, बहुत मजा आया था। फिर हम आ गए शाम में, उसके बाद घर चले गए थे। शाम के टाइम हो गया है, फिर मंदिर आ गए। मंदिर मेरे क्वार्टर से 15 मिनट्स मैक्सिमम होगा। दोपहर में माँ का दर्शन नहीं हुआ था। ये है काली माता का मूर्ति, आप लोग भी दर्शन कर ही लीजिए। आरती का टाइम हो गया था, इसलिए पंडित जी आरती कर रहे हैं। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं गुलिरंग्रहारं सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। तुमेव माताश्च पितास्तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्याजगणं तमेव तमेव सर्वममपि। मंदिर से आ गए थे घर। ये डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है। डिनर में बना रहे हैं मशरूम। पहले मशरूम को गर्म पानी में 3-4 मिनट बॉयल करके अच्छा से पानी चेंज कर करके धो लेंगे। फिर मशरूम को कट किए हैं। इधर है कैप्सिकम, गाजर, प्याज, लहसुन, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता। कढ़ाई में तेल गरम करके सरसों का तेल चढ़ाए हैं। पहले मशरूम को फ्राई करेंगे थोड़ा सा नमक डाल के, और हल्दी भी थोड़ा सा ही दिए थे। इसके बाद और पूरा रेसिपी में हल्दी यूज़ नहीं किए। मशरूम को पकने में टाइम लगता है, बहुत पानी रिलीज़ होता है, इसीलिए कुछ टाइम 10 मिनट इसको हम ढक के पकाए थे। सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी। इसको अच्छा से फ्राई करना है। लीड से कवर करने के बाद इससे बहुत पानी रिलीज होता है। जब तक मशरूम पक रहा है, हम इधर आटा का डो बनाएंगे। 2 कप गेहूं का आटा में हम मिला रहे हैं मक्की का आटा। जब भी डो बनाते हैं 2 आटा मिला के ही बनाते हैं। थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 1/2 मक्की का आटा को डो बनाने के टाइम ल्यूकवार्म वाटर यूज करना है। रोटी के लिए डो बन गया। चलिए फिर उधर देखते हैं सब्जी कहाँ तक पहुँचा। मशरूम तो फ्राई हो गया, इसमें और तेल ऐड नहीं करेंगे। बहुत कम तेल में ये बन जाता है। इसमें अभी सब सब्जी डाल रहे हैं। एकदम सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी। कम तेल में ये बनता है और कुछ भी मसाला नहीं पड़ता इसमें। जितना वेजिटेबल्स हो आप डालिए इसको इसमें। थोड़ा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और हल्दी नहीं डालेंगे। कितना कलरफुल लग रहा है ना ये सब्जी।
नीड को कवर कर देंगे। सब्जी कुक हो गया, अभी इसमें डाल रहे हैं टोमेटो केचप और थोड़ा सोया सॉस। अगर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सब अच्छा से मिला दिए, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। धनिया पत्ता अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मशरूम का सब्जी बनके रेडी, इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी या पराठा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।